क्या है? देखिए राजीव, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी हर वो धक्कर्म करेगी जो उसकी समझ में आएंगे, और हर तरीके से राहुल गांधी को संसद में पहुंचने से रोकने की सारी कोशिशें की जाएंगी। अब उसमें क्या क्या हो सकता है? हो सकता है सोमवार की छुट्टी घोषित हो जाए, अभी कल जो है राष्ट्रपति की तरफ से आ जाए कोई अधिसूचना कि सोमवार की छुट्टी है पूरे देश भर में, अचानक अवकाश घोषित हो जाए। अब आओ फिर मंगलवार को, क्योंकि संसद बंद है, मंगलवार को जाना, फिर मंगलवार को नहीं होगा, फिर जाना बुधवार को सुप्रीम कोर्ट, अब वहाँ से आदेश लेके आना, तब तक प्रधानमंत्री बोल के जा चुके होंगे और उसी समय संसद भंग हो जाएगी, अनिश्चितकाल के लिए बंद हो जाएगी, शीतकालीन सत्र में मिलेंगे और शीतकालीन सत्र का तो घोषणा हो जाएगी, चुनाव में जा रहे हैं अब तो हम, नहीं हो रहा शीतकालीन सत्र, तो कुछ भी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी है, चूंकि मोदी है तो मुमकिन है, तो कुछ भी मुमकिन हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब जहाँ तक सवाल ये है कि मान लीजिए कि जो चीज़ें बन रही हैं, कि मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट चली जाती है कांग्रेस और वहाँ से आदेश आ जाता है कि भाई आप इसको तुरंत लागू कीजिए, तो यहाँ विशेषाधिकार भी फिर आ जाता है संसद का, स्पीकर कह सकते हैं मेरा विशेषाधिकार है आपका आदेश मैं कब मानूँ कब नहीं मानूँ जी। तो ये सुप्रीम कोर्ट और संसद के बीच का एक तनाव का एक नया संवैधानिक मुद्दा खड़ा हो जाएगा। पहले भी कई मुद्दे हो चुके हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट के संसद के बीच में तनाव इस तरीके के हो चुके हैं, तो एक नया तनाव का मुद्दा तैयार हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि तनाव के मुद्दे लगातार तैयार किए जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी हर कोशिश करेगी कि इस तरीके से राहुल गांधी को रोका जाए। लेकिन मुझे लगता है कि राजीव जी, कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी जो सब कुछ कर रही है ये अपना ही नुकसान कर रही है, राहुल गांधी का उसमें कुछ नुकसान नहीं कर रही है, राहुल गांधी को तो हीरो ही बना रही है। अब ये भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति हो कि चुनाव जो है मुख्य मुकाबला वो राहुल गांधी और मोदी जी के बीच दिखाया जाए, राष्ट्रीय स्तर अमित शाह जो है वो कई बार जो है वो जनमत संग्रह करवा चुके हैं कि मोदी जी और राहुल गांधी में कौन, तो अभी यह अगर इस पर काम किया जा रहा है तो राहुल गांधी को तैयार किया जा रहा है, तो हो सकता है कि इसके पीछे काम चल रहा हो तो राहुल गांधी को तैयार किया जा रहा हो। तो अगर राहुल गांधी को इसके लिए तैयार भी किया जा रहा है तो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल है। आज की जो परिस्थितियां हैं उसमें राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के ऊपर व्यक्तिगत तौर पर काफ़ी ज़्यादा भारी हैं, हालांकि प्रधानमंत्री अकेले सबके ऊपर भारी हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भारी हैं, लेकिन कुल मिलाकर के अगर दोनों की तुलना की जाए तो इस समय राहुल गांधी जो है वो काफ़ी ज़्यादा उनको भारी है और जनता के बीच उनकी मकबूलियत इस समय ज़्यादा है। तो अब देखना ये है राजीव जी, कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी के पास पैतरे क्या क्या बचे हैं। दूसरी बात राजीव जी, असल में भारतीय जनता पार्टी अगर कोई राजनीतिक दल होता तो आप आशाएं कर सकते थे कि वो कुछ जो है वो मानक रखेगा, कुछ जो है वो लोक लज्जा होगी, कुछ लाज होगी, जैसा कि कल रविकांत जी कह रहे थे कि लाज से परे हैं वो, तो लाज से परे इस पे लाज पे याद आ गया मुझे कि वो एक हमारे यहाँ कहावत है कि वो न्योता दिया गया तो पूरा परिवार पहुँच गया खाना खाने के लिए, तो जिसने न्योता दिया था उसने कहा कि सब चले आए लज्जा नहीं आई, तो उनका लज्जा का परोसा बांध के दे दो, लज्जा घर पे है, तो लज्जा उनकी बहन का नाम था तो लज्जा का परोसा भी बांध के, तो लज्जा जो घर पे है तो उसका लज्जा जो है, तो इसलिए कोई लाज की बात नहीं की जा सकती है इन सब लोगों से। तो भारतीय जनता पार्टी क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती है, तो इस पे सारी चीज़ें देखनी होंगी। लेकिन कुल मिलाकर की जो परिस्थितियाँ राज्य जीवन रही है, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी खुद जो मुद्दे तैयार कर रही है, और मुझे लगता है कि ये हो सकता है कि राहुल गांधी के बहाने जो और जो मुद्दे चल रहे हैं जिसमें घिरी हुई है भारतीय जनता पार्टी, उनसे ध्यान हटाने की भी कोशिशें हों, लेकिन ये कुल मिलाकर के नुकसान भारतीय जनता पार्टी का ही है, राहुल गांधी का इसमें कोई नुकसान नहीं है। मुझे लगता है कि तैयारी जो चुनाव की शुरू हो गई है, ये भारतीय जनता पार्टी खुद एक मौका दे रही है इंडिया को कि इंडिया जो है एंटी इंडिया के खिलाफ जो है वो और मजबूती